सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी साबित हो रही है, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने भारत की जनता के साथ बहुत वादे किए थे और मतदाताओं को सबज बाग भी दिखाए थे, लेकिन भाजपा अपने वादे पूरी तरह भूल चुकी है और यही वजह है कि भारत में महंगाई बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और देश में अस्थिरता का माहौल है। शांडिल ने कहा कि भाजपा नेताओं ने जो वायदे भारत की जनता के साथ किए थे उनमें से 20% भी भाजपा पूरे नहीं कर पाई है। यही वजह है कि आज देश में महंगाई चरम पर है और देश में बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि सोलन में जो वादे उनके द्वारा किए गए थे वे उन्हें पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शांति बाईपास का निर्माण हो या पुराने बस अड्डे पर मल्टी स्टोरी पार्किंग या ट्रांसपोर्ट नगर, जिसके लिए वे पिछले काफी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और ये वादे वे जल्द पूरा करने वाले हैं। कुछ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था। एज ए रिजल्ट जो नोटबंदी या जीएसटी की मार पड़ी है उससे भी आज मैं समझता हूं ये जो महंगाई इतनी बड़ी है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अगर उनको हम जीएसटी में भी कवर करें तो कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज वी आर हैविंग ए वेरी फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसका इम्पैक्ट आम जनता की जीवन पे बहुत पड़ा है। घोषणाएं हुई हैं जो कि जिसमें हम कह देते हैं कि भाई हाँ आर्टिकल 370 जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। आपके पास 15 लाख आपके कहीं खाते में किसी के नहीं आए। गंगा की सफाई मेरे को नहीं लगता कि इतने सुचारू ढंग से हुई। 2 करोड़ नौकरियां कुछ भी नहीं मिली। मैंने भी 463 करोड़ या के करीब इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए हैं। जो हमारी स्कीम चली है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे हमारे चंबा घाट में सर्किट हाउस है, शांति बाईपास बन रहा है, चाहे चलने का पारपथ है, जहां पर भी हमने शिलान्यास किए, मैंने स्वयं भी प्रार्थना की है ऑनरेबल सीएम से कि उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, वो काम सुचारू ढंग से चले। इनको धन का प्रावधान भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार के इसमें कमी ना हो।